क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने, इसमें क्या बोला है, थ्री टैप्स ए बी सी कैन फिल्ड अ टैंक इन 15 12 एंड 20 आवर्स। मतलब ए भर सकता है 12 घंटे में, बी भर सकता है 15 घंटे में, और अपना सी भर सकता है 20 आवर्स में। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं अपन एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 60, 12 5 जे 60, 15 4 जे 60, 23 जे 60। ठीक है, ये आ गए तीनों की एफिशिएंसी। क्वेश्चन में आ गया क्या बोला है कि ए इज ओपन फॉर ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटिवली। मतलब एक एक घंटे बदल बदल के उनको खोला जा रहा है और एक को परमानेंट खोला जा रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले ए काम कर रहा है उसके साथ बी काम कर रहा है, ठीक है, ऊपर ए काम कर ही रहा है इसके साथ सी काम कर रहा है। पहले घंटे में ऐसा हो रहा है, दूसरे घंटे में ऐसा हो रहा है, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में, मतलब 5 लीटर पानी भरा ही रहा है और 4 लीटर ये हो रहा है। ठीक है, दूसरे घंटे में देखा जाए 5 भरा ही रहा है, 3 ये भर रहा है, तो 2 घंटे का टोटल मिला के अगर देखा जाए 9 इधर हो गया 8 इधर हो गया, टोटल 2 घंटे में 17 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, 2 घंटे में 17 लीटर पानी भर रहा है, और मैं अगर इसी साइकिल को 3 बार और रिपीट करूँ तो कितना हो जाएगा, 51। चौथी बार में करेंगे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 60 उठ होता है, अपन को 60 बनना है, तो 3 टाइम्स में 51 हो जाएगा। मतलब 3 टाइम में कितने दिन हो गए, 6 डेज लग गए, तो 6 डेज तक तो उनने सबने साथ में काम किया। अब जो 7th डे आएगा ना, 7th डे में 9 यूनिट काम करना है, बचा भी 9 यूनिट ही काम है क्योंकि ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 9 यूनिट, और यहाँ 51 काम 6 दिन तक हो चुका है, तो कितना काम बचा है, 9 यूनिट। ये 9 यूनिट काम 9 यूनिट मिलके कितनी देर में कर देंगे, 1 घंटे में, मतलब जो 7th आवर होगा उसमें टंकी भर जाएगी। ठीक है,